अभी हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं सर्वे का। इसमें आपको बोले थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना न्यूमेरिकल है उसको हम लोग करवा दे रहे हैं। तो 21 का अपलोड कर दिए, 2021 वाला ऑलरेडी अपलोडेड है आपके चैनल पे, ठीक है, राजीव पाठशाला चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ पे 2021 का, जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग अभी 2019 में, ठीक है, और इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ के इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मतलब बनाते उड़ाते तो खुद है नहीं, जाके एग्जाम में आओ, यहाँ आके कोई कोई मैसेज करता ट्यूशन ही नहीं मिला, ट्यूशन नहीं मिला कि तुमसे नहीं बना, अपना भी देख लो कि हमसे नहीं बना कि ट्यूशन नहीं मिला, ट्यूशन तो मिल ही रहा है, दो तीन ट्यूशन मिल रहा है, अभी क्या खोज रहा है, मतलब पूरे छपवा दे, ऐसा रहता तो फिर पढ़ाई क्यों होता, मतलब ऐसे 4 साल 6 महीना का कोर्स क्यों होता, एक के दिन में तुमको टॉपे करवा दे आदमी, तो अपने खुद देखेगा है नहीं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं और बोल देगा किसी को। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B का देखते हैं। ए डंपी लेवल इज सेट नियर टू स्टेशन ए एंड द स्टाफ रीडिंग एट ए एंड एट द डिस्टेंस स्टेशन बी आर 0.95 मीटर एंड 2.87 मीटर रिस्पेक्टिवली। वेन द इंस्ट्रूमेंट इज सेट नियर टू स्टेशन बी द स्टाफ रीडिंग आर 0.46 मीटर एट ए एंड 1.01 मीटर एट बी। इफ ए बी इज 300 मीटर देन डिटरमाइन द कोलिमेशन एरर इन डिग्री ऑल्सो बाई एज्यूमिंग ए रिजनेबल वैल्यू ऑफ रेडियस अर्थ इस्टीमेट द कर्वेचर ऑफ एरर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम एक डंपी लेवल को कहीं पे रखते हैं, किसी स्टेशन पे फिक्स करते हैं, वहां से दो पॉइंट का, दो स्टेशन का मेजरमेंट लेते हैं, जो स्टेशन ए है स्टेशन बी है। तो आइए पहले इतना पॉइंट को समझते हैं कि पहले क्या किया है, एक एक्स स्टेशन मान लेते हैं हम कि एक एक्स स्टेशन लिए, वहां पे हम डंपी लेवल को क्या किए, सेट किए, वहां से ए स्टेशन का, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। तो वहां से देखते हैं क्या कि जो मेरा आ रहा है वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट का जो रीडिंग लिए हैं 0.9 मीटर है, 95 मीटर है। सेकेंड पॉइंट का जो आप रीडिंग लिए हैं उसका वैल्यू कितना है, 2.8 मीटर है, ठीक है, आपको इतना पता है। तो चलिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं कि एक्स स्टेशन पर जब रखे थे तो ए का रीडिंग कितना आया था, 0.95 मीटर आया था और बी का रीडिंग कितना आया था, 2.87 मीटर आया था, ठीक है। यहां से पता चल रहा है कि ये समतल पे, प्लेन पे नहीं, ये क्या होगा, नीचे होगा, तब ना इसका रीडिंग ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इसका रीडिंग ज्यादा आ रहा है, एक सेकेंड, तो रीडिंग इसका ज्यादा आ रहा है, यानी क्या होगा, नीचे में इसका जो RL होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आया 0.95, इसका कितना आ रहा है, 2.81। तो ये फर्स्ट रीडिंग हम लोग ऑब्जर्व कर लिए कि ए का 0.95 है, बी का 2.87 मीटर है। अब आते हैं किसका, फिर बोल रहा है ना कि हम उठा के डंपी लेवल को, ये डंपी लेवल उठा के हम फिर बी साइड में कर देते हैं, कहाँ कर देते हैं, बी साइड में, जो फिगर हम नीचे बनाए कि अभी ये वाला डंपी लेवल को ए तरफ नहीं बी तरफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या बोला था, पूरा अच्छे से पहले क्वेश्चन समझिएगा, न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, चुटकी में बन जाएगा। ए डंपी लेवल इज सेट नियर टू ए स्टेशन, हम पहले नियर स्टेशन ए के तरफ सेट किए थे डंपी लेवल को, तब रीडिंग आ रहा था ए और बी का कितना, 0.95 मीटर और 2.87 मीटर। जब हम इसे इंस्ट्रूमेंट इज सेट नियर टू स्टेशन बी, जब हम इसको स्टेशन बी के तरफ सेट कर देते हैं, इस डंपी लेवल को स्टेशन बी तरफ ले जाते हैं, तो जो स्टाफ रीडिंग होता है कितना का होता है, 0.46 मीटर ए का, और बी का कितना होता है, 1.01 मीटर होता है। इफ ए बी इज 300 मीटर, अच्छा ए और बी के बीच का डिफरेंस भी दे दिया है कितना मीटर का है, 300 मीटर का है, तो सेकेंड का रीडिंग बताइए कि ए का कितना था, 0.6 मीटर था और बी का कितना था, 1.01 मीटर था। मतलब आपको रीडिंग समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन हमको बोल रहा है, तो बोल रहा है जो यहाँ ईरर आया होगा ना, कोलिमेशन ईरर और कर्वेचर ईरर, उसी को फाइंड आउट करिए। तो रेगुलर क्लास में ईरर के बारे में आप लोग को पढ़ाए भी थे, तो फाइंड द कोलिमेशन एरर और कर्वेचर एरर निकालना, क्वेश्चन समझ लिए, यहाँ तक क्वेश्चन था और क्या निकालना था, जो एरर हो रहा है कोलिमेशन एरर और कर्वेचर के कारण जो एरर डेवलप वहाँ पे हो रहा है उसी को फाइंड आउट करना है कि कितना एरर है। तो एरर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है,
कि अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं कि वो कितना डिफरेंस है दोनों का। वी कैन से दैट द स्टेशन ए इज हायर एलिवेशन फ्रॉम स्टेशन बी। ये हम लोग फिगर से समझ सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है 2.81 है, इसका 0.9 है, मतलब ये गड्ढा होगा, इधर ए क्या होगा ऊंचा होगा, यानी लोअर एलिवेशन बी पॉइंट का होगा, हायर एलिवेशन किसका होगा ए पॉइंट का होगा। तो ए पॉइंट का होगा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आया होगा एच का, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों को घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए एच वन ले लेंगे, ये दोनों को घटाएंगे 2.81 में से 0.95 घटाएंगे, तो जो डिफरेंस आया होगा, इतना जो डिफरेंस होगा वो एच वन। फिर सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो यहाँ जो डिफरेंस होगा उसको क्या मान लेंगे एच टू, 1.01 में से 0.46 घटाएंगे, तो इसका दोनों का, अच्छा दोनों तो एक ही चीज का मेजरमेंट लिया जा रहा है, दोनों तो सेम ही पॉइंट का, ए पॉइंट का बी पॉइंट का लिया जा रहा है, तो यानी कि एक बार में इतना इधर आया। अगर हम स्टेशन डैम्पी लेवल को इधर रखे तो मान लीजिए एच वन डिफरेंस आया, अगर हम इसको बी साइड में रखते हैं तो कितना डिफरेंस आया एच टू आया, तो इसी को रेसिप्रोकल लेवलिंग हो रहा है, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। तो यहाँ पे जो एवरेज डिफरेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम डिफरेंस लेंगे टोटल वो क्या होगा, दोनों का एवरेज होगा, क्योंकि सेम ही पॉइंट का दो बार मेजरमेंट लिया जा रहा है, एक तरफ ए से एक तरफ बी से, ठीक है। तो इसका हम जो डिफरेंस लेंगे क्या लेंगे, एवरेज वाला लेंगे, यानी पहला क्या होगा एच टू माइनस एच वन वाला, पहला केस में, और फिर दूसरा को मान लेते एच फोर एच थ्री, तो एच फोर माइनस एच थ्री, और दोनों का क्या कर देंगे डिफरेंस, वही मेरा क्या होगा डिफरेंस होगा ए और बी के अवार्ड, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया 1.235 मीटर आ गया, तो ये डिफरेंस में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कर्वेचर एरर की बात करते हैं, हमको निकालना है कर्वेचर एरर, तो कर्वेचर एरर क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको दिए थे रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे थे तब, या अभी आप याद कर लीजिए कि कर्वेचर एरर रहेगा तब कैसे निकालेंगे। तो ईसी इक्वल टू होता है, ईसी मतलब कर्वेचर एरर किलोमीटर में, यहाँ पे जो डी है डिस्टेंस है वो क्या है किलोमीटर में रहेगा, और 2 × 6400, ठीक है, ये 6400 क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो रेडियस है ऐसे 6371 किलोमीटर होता है, तो हम लगभग उसको 6400 मान लेते हैं, या आप 6371 भी रख सकते हो, वहाँ पे 6371 ही रखिएगा और अच्छा एक्यूरेट आएगा, लेकिन 6400 कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एग्जाम में 6400 मान के चल लेते हैं, क्योंकि ये 6371 किलोमीटर है, यानी बहुत ज़्यादा किलोमीटर है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे तो उतना कोई एरर पे फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर बट्टा 2 × 6400, अच्छा ये हमको किलोमीटर में, लेकिन एरर को हमको किस में लाना है मीटर में, तो एरर जो आता है मीटर में लाएंगे, एरर को मीटर में लाएंगे, और जो डिस्टेंस रहेगा वो किस में रहेगा किलोमीटर में। तो डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था 300 मीटर था, तो 300 मीटर का किलोमीटर बदलिए तो कितना हो जाएगा 0.3 किलोमीटर का होल स्क्वायर बटा 2 × 6400 × 10³, अगर मीटर है तो इसको हम किलोमीटर है तो इसको मीटर बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरर को भी किलोमीटर में रखते हैं, लेकिन इसको हमको क्या किस में रखना होता है मीटर में, तो 10³ से गुना कर देंगे तो यानी गुना में तो इधर भागा में, तो यही हो गया आपका कितना एरर आ गया 7.03 × 10⁻¹⁹ मीटर, ये हो गया क्या कर्वेचर एरर। अब बात करते हैं कोलिमेशन एरर की, कोलिमेशन एरर क्या होता है ना, जो डिफरेंस सेट वन में आया था, डिफरेंस जो सेट वन में आया था आरएल डिफरेंस, और सेट टू मतलब जो पहला ऑब्जर्वेशन लिए थे उसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन लिए थे उसका डिफरेंस का डिफरेंस बटा टू को हम लोग क्या बोलते हैं कोलिमेशन एरर बोलते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। वैसे और किसी मेथड से निकाल सकते तो हम बहुत ही इजी तरीका से बता दिए कि इसको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, ये परमानेंट एरर कहलाता है, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है या थ्योरी या सब्जेक्टिव जहां भी आए कोलिमेशन एरर के बारे में, तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो एरर होता है परमानेंट एरर होता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, सेट वन का यानी जो स्टेशन जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहता है उसमें क्या डिफरेंस था, तो एक का कितना था, एक का कितना था 0.95 और दूसरा का कितना था 2.81, तो ये दोनों को डिफरेंस कीजिए तो 1.86, और दूसरा सेट को लेते हैं तो यहाँ पे कितना था 0.46, ये कितना था 1.01, इसका डिफरेंस कीजिए तो 0.55 आ गया, तो यही दोनों का डिफरेंस बाई टू को हम लोग क्या बोलते हैं कोलिमेशन एरर बोलते हैं, यही आपका आंसर है, ठीक है। और दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, टोटल एरर इक्वल टू कर्वेचर एरर प्लस रिफ्रैक्शन एरर प्लस कोलिमेशन एरर, ऐसे करके तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, इजी स्टेप में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अच्छा, कोई सोच रहे होंगे कर्वेचर ईरर में हमको हाइट की जरूरत ही नहीं पड़ा, तो हाइट की जरूरत पड़ेगा भी नहीं कर्वेचर ईरर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू स्टेशन ए एंड बी एट 90 किलोमीटर अपार्ट हैव इलिवेशन 190 मीटर एंड 980 मीटर, ठीक है। 190 मीटर और 980 मीटर है रिस्पेक्टिवली। इफ द इलिवेशन ऑफ ए पीक पी एट ए डिस्टेंस 37 किलोमीटर फ्रॉम ए इज 280 यानी 280 मीटर, देन यूजिंग कैप्शन मैकॉज, एक सेकेंड यहाँ पे वो लिख दीजिएगा, कैप्शन मैकॉज मेथड फाइंड आउट द वेदर स्टेशन ए एंड बी आर इंटरविजिबल और नोट, ठीक है। तो इसके लिए हम आप पढ़े होंगे मैकॉज मेथड। वहां पे क्या था कि हम सबसे पहले इस तरह से लेते हैं कि फिगर ही दिखा देते हैं डायरेक्ट आपको कि यहाँ पे हाइट एच वन है, हाइट एच वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 190 मीटर दिया हुआ, और हाइट टू का वैल्यू कितना दिया हुआ, एलिवेशन कितना दिया 980 मीटर। ये दोनों का जो डिफरेंस है ए और पॉइंट और बी पॉइंट वो कितना है टोटल, तो क्वेश्चन कितना बता रहा है 90 किलोमीटर है, मतलब ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 90 किलोमीटर है। तो ए यहाँ पे जो ए पॉइंट पर जो इलिवेशन है 190 मीटर है, बी पॉइंट पर जो इलिवेशन है 980 मीटर है। तो बोल रहा है, अच्छा इसका बात समझिएगा कि ये बोलता है ना कि जे ये टोटल जो हो गया 2s हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2s, तो हम इसको बांट सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं तो एस प्लस एक्स, ये इधर क्या हो जाएगा एस माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, एस एस कितना हो जाएगा 2s। तो हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ए से यहाँ पे कुछ पी पॉइंट मान लीजिए, सी पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना ए प्लस सिक्स, और इस पॉइंट से बी का पॉइंट कितना एस माइनस सिक्स होता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए इतना क्लियर हुआ तो पहले कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। H1 का वैल्यू हम जानते हैं 190 मीटर है जो एलिवेशन दिया होता फर्स्ट पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट पे यानी B पॉइंट पे एलिवेशन था जो 980 मीटर था। 2S का डिस्टेंस यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर है, तो S का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यानी हाफ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। अब जानते हैं कि जो फर्स्ट A से P है या C है उसको हम A प्लस एक्स एस प्लस एक्स बोलते हैं, वो कितना है 37 किलोमीटर। A से क्वेश्चन दिया हुआ था कि A से कितना है 37 किलोमीटर। देखिए इफ द इलिवेशन ऑफ ए पीक पी एट ए डिस्टेंस 37 किलोमीटर फ्रॉम ए इज, इतना इसका इलिवेशन है 280 मीटर, तो ये बाद में जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया इसका आपका 37 किलोमीटर दिया हुआ था ए से, तो एस 45 प्लस एक्स, क्योंकि एस का वैल्यू कितना है 45, 45 प्लस एक्स इजकल टू 37 किलोमीटर, तो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 37 माइनस 45 यानी माइनस 8 किलोमीटर। तो ये मैकॉस का एक फॉर्मूला आता है वन, जो आपको इलिवेशन निकालने के लिए 1/2 इंटू एच टू प्लस एच वन बटा 1/2 एच टू माइनस एच वन एक्स बटा एस माइनस 0.06728 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इसी पे पुट करेंगे एच टू का वैल्यू, एच वन का वैल्यू, एच टू का वैल्यू, एच वन का वैल्यू, एक्स का भी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस 8 आया हुआ, 0.06728 एस का वैल्यू 45 का होल स्क्वायर, एक्स का वैल्यू माइनस 8 का स्क्वायर, वैल्यू सभी पुट करेंगे आंसर आएगा कितना, जो मतलब गुना भागा करेंगे पुट करके इसका क्या करेंगे आंसर निकालेंगे। तो एच का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है 382.844 आया है। ए जो आपका पॉइंट पी पे जो इलिवेशन था वो कितना था 280 दिया हुआ था, तो ग्रेटर देन है तो इंटरविजुअल होगा, अगर लेस देन रहता तो नॉट इंटरविजुअल होता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, यानी आपको सिंपली क्या करना है ना अभी एग्जाम के लिए, ठीक है, बाकी आपको बाद में गेट भी तो देना है, तो बाद में इसको डिटेल से पढ़ते रहिएगा, अभी एग्जाम के लिए आपको ये से खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको पूछे कि मैकॉस का मैकॉस मेथड से बनाना है आपको, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, पूछ रहा है कि सबसे पहले आप क्या करें, एक डायग्राम बनाए किसका, सिंपल सर्कुलर कर्व का, कि उसके हेल्प से, डायग्राम के हेल्प से आपको इसके वेरियस एलिमेंट्स को क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले तो एक कर्व बनाएंगे, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे रेगुलर क्लास में, नहीं पढ़े तो यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा कि क्या यहाँ पे देखना है कि जो सिंपल सर्कुलर, जैसे आपको पहले बेसिक से थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए रोड बना रहे थे, तो रोड बना रहे थे तो यहाँ कोई अगर बीच में बैरियर आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो ये कर्व कर्व हो गया, तो कर्व के इस पॉइंट को, यहाँ से कर्व ये पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं
पॉइंट ऑफ जो जहां से हम लोग को कर्व स्टार्ट होता है तो पॉइंट ऑफ द कर्व बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जहां से कर्व क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से अगर हम यहाँ पे टाइजेंट ले, इसको हम इस तरह से टाइजेंट ले, इधर से एक टाइजेंट ले, देखिए इस तरह से टाइजेंट, तो ये रेडियस हो गया आपका, क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये आपका रेडियस हो गया आर, यहाँ पे जैसे देखिए ऊपर वाला फिगर अब नीचे उतार रहा है, ठीक है, ये आर हो गया रेडियस। फिर उसके बाद ये बैक टेंजेंट होता है, ठीक है, मतलब कर्व जहां से स्टार्ट हुआ उसके पीछे को हम लोग बैक टेंजेंट बोलते हैं, और कर्व जहां एंड हुआ है उसके आगे के हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड टेंजेंट बोलते हैं। ये आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पे दो टेंजेंट मीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको जूम करते थोड़ा सा, यहां से जो टेंजेंट आ रहा था तो टेंजेंट ये कुछ इस तरह से काटा होगा, कुछ इस तरह से, तो इस एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, लेकिन अंदर वाला एंगल को इंटरसेक्शन एंगल बोलते हैं, दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको पूछ देगा डिफ्लेक्शन एंगल का हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, जो भी यूज करेंगे अभी, टेंजेंट लेंथ या लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो डिफ्लेक्शन एंगल का यूज करते हैं। अगर दिया रहे आपको एग्जाम में इंटरसेक्शन एंगल, तो हम डिफ्लेक्शन एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से इंटरसेक्शन एंगल को माइनस कर देंगे, तब अपना क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल, यानी आपको डिफ्लेक्शन एंगल यूज करना है। तो डिफ्लेक्शन एंगल के बारे में पहले समझिएगा, उसके बाद हम कोई पॉइंट समझेंगे। पहले डिफ्लेक्शन एंगल क्या हुआ, तो दो टेंजेंट जहां पे मीट किया वहां पे कुछ एंगल बनाया होगा, ये देखिए ये फर्स्ट टेंजेंट हो गया, ये सेकेंड टेंजेंट हो गया, तो यहाँ पे जो अंदर में बनाया है उसी को इंटरसेक्शन एंगल बोलते हैं, ये जो बाहर बना रहा है उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, तो इंटरसेक्शन एंगल दिया रहेगा तो 180 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। तो डिफ्लेक्शन एंगल का कंसेप्ट सीख लिए। टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट जो हम कर्व पे जो टेंजेंट डालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोल रहा है। ये आपका इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट डिस्टेंस बोल रहा है, जहां से कर्व स्टार्ट हुआ है और इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच को क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो दोनों तरफ सेम ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कल पर अगर कोई बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, टेंथ में ही पड़े होंगे। तो दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। एक टेंजेंट निकालिए, टेंजेंट इज इक्वल टू होता है आर टेन, अभी बताएंगे सब, डेल्टा बाई टू होता है, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट डिस्टेंस निकालने का। तो टी इज इक्वल टू आर टेन डेल बाई टू, डेल क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कर्व बोलते हैं। ये क्या है, लेंथ ऑफ कर्व है, ये लेंथ ऑफ कर्व है, ठीक है। ये आपका क्या है, लॉन्ग कॉर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड टेंजेंट हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है, और कोई पॉइंट इसमें छोटा है। अब उसी को ये अपेक्स डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, ई जो लिखा हुआ है इसको अपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं, एम जो है इसको मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो सभी को अभी हम लोग अब डिफिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, अभी तो आपको ऐसे ही बता दिए सब चीज, अभी इसको डिफिनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। यही आपका क्वेश्चन था कि ड्रॉ ए नीट डायग्राम, पहले तो डायग्राम बनाना है, उसको फिर क्या करना है, डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करना है उसके वेरियस एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व को। तो आइए बारी बारी से डिफाइन करते हैं। बैक टेंजेंट क्या है, तो इट इज द लाइन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कर्व, कर्व को स्टार्ट होने से पहले वाले लाइन को क्या बोलते हैं, बैक टेंजेंट बोलते हैं, अभी दिखा रहे थे। ऑल्सो नोन एज रियर टेंजेंट, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, रियर टेंजेंट के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड टेंजेंट क्या है, तो इट इज ए लाइन विच स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ द कर्व, जहां एंड कर्व हुआ है, कर्व जहां एंड हुआ है वहां के बाद जो टेंजेंट है उसी को फॉरवर्ड टेंजेंट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पॉइंट ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, यहां समझ लीजिएगा पॉइंट ऑफ कर्वेचर क्या है। तो कर्व जहां से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत। जहां से कर्व स्टार्ट हुआ था उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्वेचर। तो पॉइंट ऑफ कर्वेचर में क्या लिखिएगा, इट इज ए पॉइंट ऑफ ए बैक टेंजेंट बिफोर द बिगिनिंग और स्टार्टिंग ऑफ द कर्व, जहां से या तो कर्व के पहले यानी जहां से कर्व स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंट कर्व पॉइंट, इसको हम लोग टेंजेंट कर्व पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, तो इट इज ए पॉइंट ऑफ फॉरवर्ड टेंजेंट एट द एंड ऑफ द कर्व, इट इज ऑल्सो नोन एज कर्व टेंजेंट पॉइंट। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कर्वेचर, दोनों ध्यान से सुनिएगा, दोनों में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कभी लगता है इधर वाला को लिखे कि इधर वाला को। इस पॉइंट को देखिएगा जहां हम इंडिकेट कर रहे हैं को क्या बोलते हैं, जहां पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं,
पॉइंट ऑफ कर्वेचर और टी टू पॉइंट यहाँ पे यानी दूसरा पॉइंट जो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो गया, तो बताइए पॉइंट ऑफ कर्वेचर तो देख लिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देखते हैं। इट इज द पॉइंट ऑफ फॉरवर्ड टेंजेंट एट द एंड ऑफ द कर्व, जहां पे एंड ऑफ कर्व हुआ है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। लॉन्ग कॉर्ड क्या है, तो इट इज द कॉर्ड ऑफ द कर्व विच ज्वाइंट पॉइंट ऑफ द कर्वेचर टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाने वाला कर्व को क्या बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट इस वाला को लॉन्ग कॉर्ड इसको बोलते हैं, ए वाला इस लाइन को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कर्व है। ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व है। चलिए अच्छा, उसके बाद क्या था मिड ऑर्डिनेट क्या था, तो ये वाला कर्व यहाँ पे ऐसे था ना यहाँ पे इस तरह से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे मिड ऑर्डिनेट बोलते थे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे मिड ऑर्डिनेट, एम से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो मिला है मिड ऑर्डिनेट के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, इसको हम लोग अपेक्स बोलते थे। क्या बोलते हैं अपेक्स बोलते हैं, अपेक्स डिस्टेंस। तो मिड ऑर्डिनेट क्या हो गया लेंथ ऑफ कर्व वाला ये वाला पॉइंट को मिलाने वाला को मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व। मिड पॉइंट ऑफ द कर्व मिड ऑफ पॉइंट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड के डिस्टेंस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। और अपेक्स और एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या हो गया, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट के बाद और इंटरसेक्शन पॉइंट तक के क्या बोलते हैं अपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये वर्टेक्स पॉइंट क्या है, तो जो टेंजेंट दोनों आपस में जाके जहां मीट किया था उसी को क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट या वर्टेक्स बोलते हैं। तो व्हेन बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट एक्सटेंडेड, जब हम बैक टेंजेंट को फॉरवर्ड टेंजेंट को एक्सटेंड करते हैं तो जहां जाके दोनों क्या करता है मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, या उसको डिविएशन एंगल के नाम से भी जानते हैं, तो आपको पता है कि ये जो डिविएट होता है एंगल यहाँ से इसी को क्या बोलते हैं डिविएशन एंगल बोलते हैं। तो व्हेन द बैक टेंजेंट इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द एंगल विच मेक विद द फॉरवर्ड टेंजेंट, बैकवर्ड टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। टेंजेंट डिस्टेंस क्या है, तो इट इज द डिस्टेंस, टेंजेंट डिस्टेंस किसको बोल रहे थे याद कीजिए, यहाँ पे टी वन था, यहाँ पे टी वन था और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट था, यही दोनों बीच के डिस्टेंस को टी बोल रहे थे ना, यानी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर, इसको हम टी वन को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर, और इसको इस पॉइंट को ऊपर वाला क्या बोलते हैं वर्टेक्स, यानी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ कर्वेचर और वर्टेक्स के बीच वाले डिस्टेंस को टेंजेंट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, तो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी इधर टी टू वाला वाला डिस्टेंस के क्या होगा बराबर होगा। तो आपको ऐसे भी पता है कि कोई भी सर्कल पे एक कोई बाहरी पॉइंट से उस पर टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसमें कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, लेंथ ऑफ कर्व का नाम सुन रहे थे, लेंथ ऑफ कर्व क्या था ये वाला था, इसी को लेंथ ऑफ कर्व बोल रहे थे, उसका फॉर्मूला था पाई आर फाई बटा, क्योंकि इसका यूज है आगे। ठीक है, पाई आर फाइव बटा 180। लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला होता है टू आर साइन फाइव बाई टू, फाइव क्या बता रहा है यहाँ एंगल बता रहा है। ठीक है, टेंजेंट डिस्टेंस क्या हो गया आर टेन फाइव बाई टू, और हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल को ही लेते हैं। मिड ऑर्डिनेट क्या हो गया, तो मिड ऑर्डिनेट का हो जाता है आर इंटू वन माइनस कॉस फाइव बाई टू, और अपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है आर इंटू सेक फाइव बाई टू माइनस वन, यानी आपको खाली रेडियस दिया रहे एंगल दिया रहे तो सभी का वैल्यू निकल जाएगा, एंगल दिया रहे एंगल पुट कर दीजिए, रेडियस दिया रहे रेडियस पुट कर दीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, चेंज ऑफ द पॉइंट निकालना हो तो तब पूरा जो आपका टेंजेंट था उसी में से अगर हम टेंजेंट को घटा देंगे तो चेंज ऑफ द पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी करवाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चेंज टी वन है, आई लेंथ ऑफ कर्व है, तो टी टू तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए, तो टी वन का डिस्टेंस चाहिए या लेंथ ऑफ कर्व का डिस्टेंस चाहिए, तो हम टी टू तक पहुंच जाएंगे। तो अभी फाइव का बी में शायद यही क्वेश्चन दिया हुआ तो इसी को करवाते। देखिए, टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट द चेंज ऑफ 2000 मीटर एंड डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 36 डिग्री, डिफ्लेक्शन एंगल दिया है तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, वही एंगल मेरा क्या हो गया डिफ्लेक्शन एंगल हो गया 36 डिग्री, अगर यही इंटरसेक्शन बोल देता तो 180 में से हमको घटाना पड़ता। तो टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट द चेंज 2000 मीटर, 2000 मीटर का जो अति है एक दो को टेंजेंट है जो क्या किया आपस में कहीं मीट किया है, यानी एक उसी तरह से यही फिगर हो गया। ठीक है,
कैलकुलेट द ऑल डाटा नेसेसरी फॉर सेटिंग ए सर्कुलर कर्व विद रेडियस ऑफ 300 मीटर। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 300 मीटर दिया हुआ है, तो हमको किस मेथड से चलना है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से कर्व को फाइंड आउट करना है, बनाना है। बहुत ही अच्छा मेथड है ये, लैब किए होंगे तो करवाया गया होगा, ये नहीं करवाए तो अभी हम समझा देंगे। तो गिवन डाटा पहले क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू दिया है, डिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यू दिया है। तो अब अगर हमको ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको ए वाला पूरा डिस्टेंस दे दे 2000, ये दे दे 2000, हमको ये पॉइंट निकालने बोले, ये टी वन का वैल्यू निकालने बोले, यहाँ टी टू का वैल्यू निकालने बोले, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा 2000 है, पूरा कितना है 2000 है, आई क्या है टैजेंट होता है, तो 2000 में से टैजेंट डिस्टेंस को अगर हम घटा देते हैं तो मेरा कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाला, यानी ये पॉइंट ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। तो हमको पॉइंट ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए सबसे पहले हमको टैजेंट डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो टैजेंट डिस्टेंस के लिए अभी फॉर्मूला एक बता रहे थे, आर टेन फाइव बाई टू होता है, क्या होता है आर टेन फाइव बाई टू, फाइव मतलब यहाँ पे डेल्टा ले रहा है, तो डेल्टा बाई टू हो गया। तो आर का वैल्यू 300, टेन फाइव का वैल्यू कितना 36 डिग्री, डिफ्लेक्शन एंगल 36 डिग्री बटा 2, तो 97.47 आ गया। तो चेंज ऑफ टी वन क्या होगा, तो चेंज ऑफ टी वन के लिए हम लोग, टी वन के लिए पूरा 2000 है, तो इसमें से टैजेंट डिस्टेंस को क्या कर दे, घटा दे, तो यानी चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी टोटल डिस्टेंस में से टैजेंट लेंथ को क्या कर दे, घटा दे। तो 2000 में से 97.475 को घटा देंगे तो 1902.52 आ जाएगा, ठीक है। कर्व लेंथ या लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, तो अवश्य है क्योंकि हमको टी टू का वैल्यू निकालना है, टी वन का वैल्यू निकल गया, टी वन का वैल्यू निकल गया, हमको टी टू का वैल्यू निकालना है। तो टी वन से टी टू तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ए वाला डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कर्व, यानी लेंथ ऑफ कर्व निकाल के या टी वन में जोड़ दे, टी वन प्लस लेंथ ऑफ कर्व तो किसके बराबर हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, टी टू के पास पहुंच जाएगा, यानी टी टू हमको निकालना था। तो लेंथ ऑफ कर्व या कर्व लेंथ उसको बोलते हैं, तो पाई आर डेल्टा वाई 180 होता है, पाई आर का वैल्यू 300, डेल्टा का वैल्यू 36 बटा 180, 188.49 आ गया। तब हमको क्या निकालना है, टी टू निकालना है। तो टी टू के लिए क्या करेंगे, जो चेंज ऑफ कर्व लेंथ ऑफ कर्व आया है और टी वन चेंज आया है उसको दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो लेंथ ऑफ कर्व कितना था 188.49 था और टी वन कितना था 1902.52 था, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये चेंज ऑफ टी टू आ जाएगा। अब बात यहाँ पे आता है कि हम कर्व बनाएंगे किससे, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से। तो कर्व कैसे बनाते हैं, तो पूरा ये जानते हैं कि लेंथ ऑफ कर्व मेरा कितना आया है, पहले इसको समझाते हैं बाहर में, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा लेंथ ऑफ कर्व अभी निकाले होंगे तो आया था 188 कुछ आया था। हमको या तो 20 मीटर का चेन होता है या तो 30 मीटर का होता है, तो चलिए हम 30 मीटर वाला मान के चलते हैं, तो 188 है, तो यानी 188 मीटर है आपका, इतना जमीन आपके पास है 388 मीटर, तो कितना चेन में मापाया होगा, तो पहले फुल चेन कितना मापाया होगा, 386 से 180 मीटर क्या होगा, फुल चेन मापाया होगा, 30-30 मीटर के 6 बार मापे होंगे, बाकी इसको बोलते हैं फुल कॉर्ड, इसको बोलते हैं, देखिए पहले 30 मीटर मापे होंगे, फिर 30 मीटर, 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 6 बार मापे होंगे, 1 2 3 4 5 6 6 बार मापे होंगे, तो 180 मीटर आपके पास टोटल कितना, 188.8 कुछ मीटर, ठीक है। तो ये जो बच गया ना इधर इधर थोड़ा सा, क्योंकि हम इधर छोड़ के बीच में फुल लेंथ का माप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इरर कम मिले, तो ये 180 मीटर हो गया, बचा कितना 8 पॉइंट कुछ मीटर बचा, 188 में से 188.8 में से 180 मीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, यानी ये छोटा इधर का लेंथ है, इधर का लेंथ हमको नहीं मालूम है। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे में कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक चेंज ऑफ टी टू में कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ फुल कॉर्ड निकालना है, नंबर ऑफ फुल कॉर्ड यानी इतना हमको लेंथ ऑफ कर्व दिया हुआ है 188.8, अब इसमें फुल कॉर्ड कितना कितना होगा, तो अभी तो बता रहे हैं कि 30 मीटर वाला लीजिएगा तो 180 है, यानी जो इक्वल वाला राउंड फिगर 180 मीटर हो गया, 386 से 30-30 मीटर का टेप लेते हैं, चेन लेते हैं, तो उससे कितना 6 कॉर्ड माप आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 6 कॉर्ड माप आ गया, लेकिन मेरे पास 188 पॉइंट कुछ है ना, यानी कितना बच गया मेरे पास, तो मेरे पास बच गया होगा कितना, इसको 188.49 में से 6 गुने 30 यानी
6 कॉर्ड है, कितना मीटर का? 30, 180 मीटर, यानी बच गया कितना? 8.49 मीटर। और दो से भागा दे देंगे मतलब ये आधा आधा हो जाएगा, लेकिन ऐसे आधा आधा लेना नहीं होता है, बट इसीलिए यहाँ पे लिख दिए बट। लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड है ना, फर्स्ट कॉर्ड चेनेज ऑफ T1 कितना था? तो चेनेज ऑफ T1 देख रहे थे तो 2091.01 है, राउंड फिगर में नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको राउंड फिगर में बनाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट कॉर्ड को, जो फर्स्ट लेंगे तो लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड जो हो 1905 मान लेते, कितना मान लेते 1905, तो ये कितना था बाबू 1901 ही था, कितना था जो चेनेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट आया था वो कितना लाए थे हम लोग? चेनेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऊपर होगा, चेनेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट कितना था 1902.52। इसको हम राउंड फिगर में ले लेते, तो इसको राउंड फिगर 1905 ले लीजिए, 1910 ले लीजिए, ठीक है राउंड फिगर में। तो राउंड फिगर में अगर हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इतना ले लिए, तो कितना बचा होगा लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड कितना का हुआ होगा? तो 1905 में से 1902.52 घटा देंगे यानी 2.48 मीटर, यानी जो आपका डिस्टेंस ये बच रहा था 8.49 मीटर, पूरा 180 घेर लिया, इधर वाला डिस्टेंस मिला, इसको सब कॉर्ड बोलते हैं। ये जो फुल मीटर का हो गया उसको फुल कॉर्ड बोलते हैं, जो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़े थे उसको क्या बोल रहे हैं? सब कॉर्ड बोल रहे हैं। तो सब कॉर्ड कितना बचा हुआ? 8.49। तो कोई बोलेंगे कि सर आधा आधा दोनों तरफ नहीं कर दे, तो वैसा नियम नहीं है। नियम क्या है ना कि इधर वाला जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 1902.52 था, उसको आप क्या कीजिए, एक राउंड फिगर मान लीजिए कि 1905 तक मापे होंगे, कितना तक? तो 1905 तक, लेकिन एक्चुअली कितना था 1902.52 ना, तो घटा दीजिए, यानी आपका कॉर्ड इधर फर्स्ट कॉर्ड कितना का ले लिए 2.48 का, यानी 2.4 एक्स्ट्रा माप लेंगे तो ये कितना का 1905 मीटर का माप आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है फर्स्ट कॉर्ड में इधर। तो इसीलिए तो अब देखिए पहला कॉर्ड फर्स्ट कॉर्ड और लास्ट कॉर्ड मिला के कितना था आपका 8.49 था, लेकिन उसमें फर्स्ट कॉर्ड कितना दे दिए 2.48 दे दिए, तो लास्ट कॉर्ड कितना का बचा हुआ था 6.10। यानी आप समझिएगा ये 6 गो, ये वाला जो 6 गो था उसको छोड़ के दोनों तरफ जगह बच रहा था, तो इधर 2.48 दे दिए, इधर कितना दे दिए 6.10। मान लीजिए एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आधा आधा करके चलाइएगा, ठीक है, मतलब 8.49 बचा है ना, तो आधा इधर आधा उधर, लेकिन ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है नहीं कि जो चेनेज T1 था वो राउंड फिगर में नहीं है, तो उसको राउंड फिगर में करने की कोशिश किए। राउंड फिगर कितना ले लिए 1905 ले लिए, जिसमें 1902 ही तो मेरा एक्चुअल था, तो उसमें कॉर्ड कितना चला गया होगा 2.48 चला गया होगा उसमें कॉर्ड, तो ही कॉर्ड 2. सब कॉर्ड 2.48 हो गया है, तो लास्ट वाला कितना बचा होगा? तो पूरा मेरा 8.49 था, तो 2.48 इधर घटा दीजिए, तो लास्ट में 6.01 होगा, यानी ए वाला अब कितना 6.08 है, 01 है, इधर 2.48 है, और सब बीच वाला कितना का है 30-30 मीटर का है, ठीक है सब बीच वाला कितना मीटर का है 30-30 मीटर का, तो 30×80 से 180 प्लस कितना 2.48 प्लस कितना 6.0, यही होता है, ठीक है। तो आपको कॉर्ड सभी पता चल गया, अब सबका एंगल हमको निकालना है, कॉर्ड पता चल गया ना, कौन कौन कॉर्ड कितना का है, फर्स्ट कॉर्ड कितना का है 2.48 का है, बीच वाला सब 30-30 मीटर का, लास्ट वाला कितना है 0. यही हो गया आपका। अब हम निकालते डिफ्लेक्शन एंगल मेथड था ना, तो कितना कितना एंगल बनाते हुए, यहाँ देखिए ये कितना कितना एंगल बनाते हुए जा रहा होगा, क्योंकि टेंजेंट चेंज हो रहा है तो एंगल भी चेंज होते जा रहा होगा, तो कितना कितना एंगल चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला ऐसे तो प्रूफ करके निकालते, लेकिन आपको अब जो बचा है 5-6 घंटा 10 घंटा उतना देर में आप प्रूफ क्या पड़ेगा, डायरेक्ट सीख लीजिए कि डिफ्लेक्शन एंगल मेथड बोलेगा तो 1719, क्योंकि 30 मीटर वाला चेन ले रहा है ना, तो 1719 बटा आर, जितना जितना कॉर्ड है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एंगल दे देगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट कॉर्ड कितना था 2.48 था, तो 1719 बटा आर गुने 2.48, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा आ जाएगा 14.21 डिग्री। अब आते हैं लास्ट कॉर्ड वाला निकाल लेते हैं, लास्ट कॉर्ड वाला कितना होगा 1719 बटा आर और C8 का मतलब जो लास्ट वाला था, तो लास्ट वाला पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में कितना था 6.02 था ना, तो इसको यहाँ C8 की जगह पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 34.43। लेकिन जो बीच वाला है 2 से लेकर 7 तक सब बराबर कॉर्ड है ना, तो एंगल भी क्या होगा बराबर ही होगा, कॉर्ड कितना का है 30 मीटर का है, तो 1719 बटा 300 रेडियस का वैल्यू कितना 300 इंटू
बीच का जो लेंथ है कितना है 30-30 मीटर का, तो 171.9 डिग्री आ गया। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अब हम लोग मिलते हैं 2020 का करवाए ना, 19 का, 2021 का ऑलरेडी अपलोडेड है, अब 2020 का करवाएंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन नहीं लिया, तो वो मैराथन से, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए अब उतना भी हम ऐसा नहीं है कि वैसा रहता तो काहे ले ऐसे पढ़ाते, लास्ट में नहीं दे देते। ये होता है ना कि नए से हाँ हो रहा है, ठीक है, नहीं से हाँ हो रहा है कि चलो नए पढ़ा तो देते हैं, देखते हैं कितना वहां पे आता है। आपका मन आपको जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, 20 सीरीज हो गया, मैराथन हो गया, सब अवेलेबल करवा दिए, तो अब क्या करवा सकते हैं। अब एक दिन में टॉपर कोई नहीं बना सकता है, कोई भी कितना भी बड़ा अथी क्या बोलते हैं उसको, कितना भी विद्वान आ जाए आपको कोई अथी पास नहीं करवा सकता है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे कितना भी विद्वान आदमी आपको पढ़ा दे आपको नहीं पास कर सकते। ठीक है, आप खुद पढ़िए, अगर कोई नए भी पढ़ा रहा है, अगर हम खुद से पढ़ रहे हैं तो हम खुद पास कर जाएंगे, जरूरी हम किसी से पढ़े, खुद से पढ़िए। जब इतना इंटेलिजेंट है तो खुद से पढ़िए, जरूरी हम दूसरा से पढ़े, नहीं तो कोई गाइड कर रहा है तो उसको देखिए, उसको सीखिए, याद कीजिए, याद करके ले जाइए। क्वेश्चन ऐसा थोड़ी कि एक को क्वेश्चन है डेली, तो टिक करके भेज सकते हैं, भेजते हैं, मिला सकते हैं आपकी मिलता है क्वेश्चन कि नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। हम रेगुलर पढ़ाए, लास्ट में जितना मेरा हेल्प करने का था हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप समझिए, आपको शुरू से पढ़ना चाहिए था, शुरू से स्टार्टिंग से पढ़िए, लास्ट में क्यों पढ़ते हैं, आपका गलती है, इसमें मेरा क्या गलती है। हमको जितना हेल्प करने का मन है कर रहे हैं, नहीं मन रहेगा नहीं करेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। जब तक चल रहा है